जो एक मौका था वो भूल नहीं सकते। रजी भाई से एक छोटा सा सवाल है कि जब रजी भाई जब आपको बुलाया गया था वहाँ पे, तो वो उस टाइम आपके एहसास क्या थे? शुएब भाई आपका गोल्डन मोमेंट कौन सा था, और ख़ास तौर पे कामरान भाई वो कौन सा लम्हा था जब आपने कहा कि यार ये मेरा बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग ये मैच है या इस तरह का मोमेंट है? क्योंकि बहुत सारी टेंशन वाली बातें तो हो गई हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो 2009 की बातें हों तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया। देखिए यहाँ बड़ी बातें की लाला ने, बड़ी अच्छी बातें की मिसबा ने, बड़ी अच्छी बातें की, और ये सारी चीज़ें जो है ना कप्तान पे बहुत डिपेंड करती हैं, और कप्तान में डिसीजन पावर होनी चाहिए। और जैसे लाला ने बात की कि जी वो एक प्लेयर का कप्तान नहीं होता, वो 25 प्लेयरों का कप्तान होता है जो सेंटर कोर्ट एंड में होते हैं। तो मेरा भी ऐसा बिलीव है, और मेरा तो 30 में नाम नहीं था और उसके बाद 16 में भी नाम नहीं था, तो मैं तो बिल्कुल होप छोड़ चुका हुआ था। और जब मुझे कॉल आई कि आपको बुलाया गया है, तो मैं शॉक्ड हुआ कि जी कि पहले तो ICC के रूल के मुताबिक तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई मजाक कर रहा है। तो जब टिकट मेरे पास आई तो मैं गया, तो वहाँ पर पहुँचा, अभी यूनुस भाई ने भी जिक्र किया कि मुझे जाते ही ये मैसेज मिला कि आप रात को पहुँचिए, सुबह नया बॉल कर रहे हैं और आप मैच खेल रहे हैं। तो ये सारी जो खुशी इस चीज़ की थी कि जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, इसकी नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पर। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। लाला ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिस्टम एक ऐसा बना दिया जाए कोई भी लोग आए वहाँ पे आके उसको चेंज ना करे, सिस्टम वही रहे। तो नीयत होगी डेवलप करने की, प्लेयर बनाने की, पॉलिश करने की, तो प्लेयर बनेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ पैसा ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। थैंक यू। शायद भाई सवाल है यार, मेरे लिए तो जब T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई वो थी कि एज अ टीम हम लोग बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं। एम था हम लोगों की कामयाबी ये नहीं है कि हम लोग उस वक्त T20 इतनी ज़्यादा, आपको पता है, लीग क्रिकेट नहीं होती थी। हमारी कामयाबी ये थी कि हम एक सिस्टम के थ्रू आए थे खेलने, पाकिस्तान टीम में खेलते गए हैं, जिसका हम लोगों को फ़ायदा हुआ, मेंटली थोड़े स्ट्रांग हुए और खेलने का तरीका, फिर यूनुस भाई जैसे टीम ले कर चले हैं और बड़े एग्रेसिव डिसीजन भी लिए हैं। और जो उस वर्ल्ड कप में जो हुआ है हम लोग वो बयान कर दें ना, तो आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाए, हम बता सकें आपको। लेकिन एम ये था कि जीतना, और जीते हैं, अल्लाह का शुक्र है। पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, सिर्फ मुझे नहीं। और मेरी जो अच्छी मोमेंट वो मैं यही बोलूँगा, ट्रॉफी उठाई। जो पहले सवाल किए हैं बाबर के कप्तानी के रिलेटेड, आप देखें कि जितना सपोर्ट आप लोगों की तरफ से, इस पाकिस्तान की अवाम की तरफ से बाबर को, इस टीम को मिला 3 साल, मेरे ख्याल से इतना सपोर्ट यूनुस भाई को, शाहिद भाई को, मिसबा को मिला होता ना, तो शायद ये अभी कोई वर्ल्ड कप, कोई बड़ा इवेंट जीत जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो इंटेंट, जो दिलेरी थी, वो उस हिसाब से पाकिस्तान टीम खेली नहीं, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड कप में नुकसान हुआ। तो उसका नतीजा ये है कि आप T20 की सिलेक्शन आप ख़त्म करें, एक प्रोसेस जो डोमेस्टिक है, जैसे हम लोग ये पूरा बैठे हुए हैं यहाँ पे, उस हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली हमें ऐसे बड़े इवेंट में मार नहीं खानी पड़ेगी और अच्छी क्रिकेट खेल के आएंगे। और कप्तानी के 4 साल मिले हैं, मेरे ख्याल से बाबर के लिए, एज ए ब्रदर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आपको पता है रिलेशन क्या उसके साथ, मैं यही बोलूँगा अगर आप चाहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट चाहता है कि वो 24-25 हज़ार रन करे, अपने पे प्रेशर रिलीज करे, कैप्टनसी एक साइड पर करे, एज ए प्लेयर खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान टीम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी सब लोगों को पहले। और ये जो आप सवाल करते हैं ना, तो हम सारे ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ले आते हैं जो आजकल चल रहा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हम पिछले 1.5 महीने से टीवी पे बैठ रहे हैं और ये ऐसे ही लग रहा है कि टीवी पे ही बैठे हुए हैं,
इसलिए सारे उसके रिलेट जो है वो कर देते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है कि सबको पता है यहाँ कुछ बोलेंगे तो ये सब जगह बात जाएगी। तो ये सब क्रिकेटर्स यही चाहते हैं कि अच्छा हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दूसरी रही बात, आपने गोल्डन मोमेंट्स मेरे पूछे ड्यूरिंग 2009 वर्ल्ड कप, उसमें ये था कि जब हम 2007 में जब हम बहुत क्लोज मैच गया उसके बाद हम हारे, तो यूनुस भाई ने, हम सारे बहुत डिप्रेस थे तो यूनुस भाई को वो चीज़ याद थी। तो जब हम लोग 2009 में वो ट्रॉफी जीते तो सबसे पहले यूनुस भाई ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं कैप्टन था 2007 में, तो उनको पता था इस चीज़ का कि ये बहुत अफसुर्दा था उस दिन। तो इन्होंने सबसे पहले वो ट्रॉफी मुझे दी और इन्होंने कहा कि यू डिज़र्व दिस, सो थैंक यू यूनुस भाई, आई स्टिल रिमेंबर दैट। सो ये इट शोज़ के एक अगर आप हों तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं दुनिया में, ये मेरा मानना है। और स्पेशली जब आप टीम गेम खेल रहे हो तो सबका सेम पेज पे होना उतना ही ज़रूरी है जितना लीडर जब आपको मैसेज देता है अपने टीम के प्लेयर्स को। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, वो ये सोचते हैं, अपनी सोच से सोचते हैं कि शायद हमारा लीडर जो है वो गलत सोच रहा है। नहीं, वो बेशक आपकी नज़र में एज अ प्लेयर गलत सोच भी हो, बट यू हैव टू बैक द डिसीजन व्हाट कम्स फ्रॉम योर लीडर। सो यही एक ऐसी चीज़ थी। बाबर पे मैं जितना बोला हूँ कोई भी नहीं बोला पूरे डेढ़ महीने में। जी जी माजिद भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं आप बाबर पे? किसको? बाबर को? बाबर भी तो कहता ना कि मेरा नंबर है सबके पास, मुझे करो, तो वो मुझे पूछेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मैं उसे मशवरा दूंगा। देखिए माजिद भाई, मुझे ये लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि अगर हम उसकी सारी परफॉर्मेंसेस देखें पिछले 3-4 साल से जब से वो कैप्टनसी कर रहा है, आया उसका इम्प्रूवमेंट का ग्राफ जो है एज अ लीडर नॉट एज अ बैटर, वो अगर ऊपर गया है, उसकी कैप्टनसी ऐसी स्किल्स डेवलप हो गई है कि जहाँ पे वो बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट, नॉट बी टीम्स के अगेंस्ट, बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट अगर उसकी कैप्टनसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है तो उसे ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्राफ वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो फिर नहीं होना चाहिए। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो एज अ प्लेयर खेलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए भी और टीम की परफॉर्मेंसेस के लिए भी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसी कंडीशंस थी इंडिया में, जैसा वो बैटर है, जितने कंसिस्टेंटली वो रन्स बनाता है, वो उस तरह नहीं नज़र आया। तो वो जो उस प्रेशर में नज़र आया वो उसकी कैप्टनसी की वजह से थी, तो वो कैप्टनसी या उसके जो रन्स थे वो और बन सकते थे, लेकिन टीम नहीं जीत पाई तो वो अफेक्ट की उसकी बैटिंग पे भी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसमें ये नहीं है कि हम में से कोई या मैं बाबर के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं है, हमें पता है वो बेस्ट प्लेयर है। मुझे ये लगता है कि उसके साथ एक और चीज़ अटैच होती है, वो ये होती है कि मैचेस कम जितवाता है वो, ये अटैच होती है अगर हम फैक्ट्स पे जाएं, अगर हम स्टैट्स पे जाएं, तो ये चीज़ है। तो मुझे ये लगता है कि जब कैप्टनसी वाला एलिमेंट उसकी बैटिंग से हटेगा तो वो जो मैच जीतने वाली है, जो एज अ बैटर वो जितवा सकता है, वो और ज़्यादा हो सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये स्टैट्स भी ऐसा बोलते हैं, तो ये मैं समझता हूँ। और दूसरा देखें, हम लोग कैप्टनसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपने ये देखना है कि अगला वर्ल्ड कप है 2027 वाला, उसमें कौन होगा आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप, वहाँ तक कौन खेलेगा, वहाँ तक कौन जो है वो खेल सकता है और फिट होगा, उसकी इतनी एज भी होनी चाहिए। ये गोल होना चाहिए, ये गोल नहीं होना चाहिए कि अगले साल के लिए 6 महीने के लिए हमें कौन कैप्टन चाहिए, हमें 2027 के लिए चाहिए। हाँ, अगर मैं कौन हो सकता है, पहले ये जवाब ख़त्म कर लूँ फिर मैं आपका जो है ना ये सोच रहे होंगे। देखिए, वो आपका गोल होना चाहिए, और आपका बेस्ट परफॉर्मर जो है वो चाहे बॉलर हो, चाहे बैटर हो, चाहे विकेट कीपर हो, स्पिनर हो, उसको नहीं कैप्टन होना चाहिए। कैप्टनसी में जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए क्योंकि सारे आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ को दिमाग में रख के किसी को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। कैप्टन उसको होना चाहिए जिसमें लीडरशिप स्किल्स हों, जो टीम लड़ा सके। शाहिद भाई, इधर
लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। टीम का जो हाल है वो सबके सामने है और कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम में जो है वो दोस्तियां यारियां निभाई गई। आरिस रऊफ जो सबसे ज़्यादा वो रन दिए उन्होंने बॉलर, उनको मुसलसल चांस दिया गया, शादाब खान को चांस दिया गया और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं मतलब जो दोस्त मतलब एक गैंग बना हुआ है उन्हीं को चांस दिया गया। तो आप समझते हैं कि वाकई जो टीम का हाल है ये दोस्तियां यारियां निभाई गई जिसकी वजह से ये आज हमें ये देखना पड़ रहा है? देखिए मुझे जो चीज़ समझ आती है ना वो ये आती है कि क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन दिए, बैट्समैनों भी रन नहीं किए, मैं एक चीज़ पे बिलीव है थोड़ा सा हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी क्या देनी है कि आपका कोई भी लड़का जब डोमेस्टिक सीज़न चल रहा हो पाकिस्तान के अंदर वो कहीं लीग खेलने के लिए नहीं जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट की जब तक हम अहमियत नहीं देंगे, खेलेंगे नहीं, आपका कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकती। और डोमेस्टिक सीज़न अभी भी मैं देख रहा हूँ इवन कि कजाफी स्टेडियम के पिचेस के ऊपर जिस तरह मैचेस खेले जा रहे हैं, फ्लैट ट्रैक, आप फ्लैट भी बनाओ, स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, स्विमिंग ट्रैक बनाओ, बाउंसी ट्रैक बनाओ, एक प्लेयर हर पिच के ऊपर खेलते हुए अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम फ्लैट ट्रैक बनाते हैं, प्लेयर जो आ रहा है 200 रन कर रहा है, ज़रा मुश्किल कंडीशन दे, हमें पिचेस पे काम करना पड़ेगा। हमें हमारी जो ए टीम है या अंडर 19 की जो टीम है इनको जो है आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यहाँ के टूर्स ज़्यादा से ज़्यादा कराने चाहिए आपको। हम जब भी कोई टूर होता है देख रहा होता है, यहाँ बांग्लादेश होते हैं हम, या दुबई में होते हैं, या जिम्बाब्वे में होते हैं, यहीं की क्रिकेट रह गई है हमारी। थोड़ा सा हमें जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको डोमेस्टिक सीजन खेलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। सर दोस्तियाँ यार ये निभाई गई है ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। सर वो काफ़ी बात कर ली, शुएब मलिक की मैं बात करूँगा, 2027 वर्ल्ड कप के लिए कह रहा है कप्तान, मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन जो है ना यंग इफ्तखार अहमद है, उसको बना दे ज़्यादा अच्छा। अच्छा कामी भाई आपने कहा कि जैसे आप सिस्टम के तहत आए और स्ट्रॉन्ग थे तो हमारे कप्तान को तो क्रैम्प बड़े पड़ रहे, विकेट कीपर को बड़े क्रैम्प पड़ रहे थे, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि शुएब मलिक 2024 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए आप कितने तैयार हैं, क्योंकि 2022 में तो बाबर ने आपको ड्रॉप कर दिया था, अब नया कप्तान के अंडर खेलने में कितना तैयार है? पहले कामी भाई बताओ। देखिए रिजवान ही बेहतर बता सकता है या फिजियो बेहतर बता सकता है, मैं आपके साथ पाकिस्तान में वो इंडिया में खेल रहे थे, मुझे क्या इल्म, लेकिन गर्मी है, क्रैम्स आ जाते हैं, विकेट कीपिंग करना साथ बैटिंग लंबी करना इतना इजी नहीं होता आप लोग जैसे समझते हैं। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से लेट्स सी क्या होता है, क्या बता। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और किसी प्रोग्राम के अख्तितम में जो फेवरेट मसला है हम पाकिस्तानियों का वो है खाना। प्लीज प्लेयर्स वी नीड बाउंसर्स हियर, प्लीज आ जाइए, टेक ओवर करें स्टेज पर, उधर आ जाए स्टेज पर, हाँ कवर करें, ये भी स्टैंड बाय रहे। लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन, स्टार परफॉर्मर फॉर द बिग गेम शाहिद अफरीदी, आवाज बुलाते हैं।